हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ वर्गमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स। उसके पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं पहले के वीडियो में शिशु में कुछ सवाल पूछता था, अब मैं वीडियो के लास्ट में सवाल पूछूंगा। पहले हम सवाल को समझेंगे अच्छे से, वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाल कलर का बटन जरूर दबा दें। ठीक है, तो हम आज करने वाले वर्गमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक के बारे में। वर्ग के बारे में आपको पता ही होगा, वर्ग मतलब होता है घात दो। जैसे कि एक का वर्ग है तो एक का एक में गुणा करना है। दो का वर्ग है तो आपको इसमें 10 तक के वर्ग सभी को पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मैंने लिख दिया है, आप चाहो तो यहाँ से याद कर सकते हो, उतार सकते हो। ठीक है, तो 10 तक वर्ग होता है अपना, देखना। एक का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का कितना होता है 100। तो ये निकालते कैसे, जैसे कि 5 का वर्ग निकालना है तो 5 का गुणा 5 में तो कितना है 25। अब हम क्या करेंगे, 5 का वर्ग है 25, मतलब करनी 25 लिख दो मान लो। तो करनी 25 मतलब इसका वर्गमूल। करनी से बाहर कैसे संख्या निकलती है, वर्ग करके। जैसे 5 करनी 25 को अपन बाहर निकालेंगे तो 5 गुणा 5 होता है करनी 25, तो 5 ही घात 2। घात 2 से करनी कट जाती है तो इसका कितना है 5। तो करनी 25 मतलब 25 का वर्गमूल क्या है 5, और 5 का वर्ग क्या है 25। मतलब वर्गमूल क्या होता है, 25 का वर्गमूल क्या है 5, उल्टा निकालते हैं। तो आप में ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, ये सभी संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग है। इनका वर्गमूल आपको पता है, आप निकाल सकते हो लघुगुणनकरण विधि से, कोई सी बहुत सारी विधियां हैं उससे। लेकिन ऐसी संख्या जिनका पूर्ण वर्ग नहीं है उनका वर्गमूल कैसे निकालना है, उनका वर्गमूल आएगा दशमलव में। तो आइए हम एक ट्रिक के माध्यम से सीखने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर करें। इन सवालों का 2, 2, 4, 2, 6 सवालों का मैं बताऊंगा आपको, उससे आप 100% सीख जाएंगे। देखना, करनी 8 का निकालेंगे सबसे पहले हम। ये ट्रिक है दोस्तों, ये सवाल नहीं है, बस समझना है और सीखना है और अपने को परीक्षाओं में, प्रतियोगिता परीक्षाओं में जिसमें भी जो यूज होगी वो अपन लगा देंगे, बस आपको सीखना है। देखना अब इसका क्या निकालेंगे, करनी 8 है तो करनी 8 किसके आसपास, वर्ग वाली संख्या के आसपास है, देखना 9 किसका है 9। तो अपन करनी 8 को क्या लिख लेंगे, 9 - 1। ये वैसे सही नहीं होता है, करनी में 9 संख्या ऐसा घटती नहीं है, लेकिन अपन इसे दिख रहे हैं, अपन सवाल को हल कर रहे हैं, ये सवाल है। तो देखना 9 किसका वर्ग है, 9 - 1 8 लिख सकते हैं अपन। 9 किसका वर्ग है 3 का, तो अपन क्या लिख लेंगे इसे, करनी बाहर 3 - 1। अब इसके बटे में क्या आएगा, इसका दुगना, 3 का दुगना कितना होता है आपका 6। अब इसे कैसे हल करेंगे ध्यान देखना, इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक सवाल में पूरे डिटेल में बता रहा हूँ। 6 का 1 में गुणा करेंगे अपन, कितना जाएगा 6 कम 6। ऊपर क्या होता है देखना, 6 का 3 में 18 - 1 का 1 में हुआ 1, तो ये कितना आ गया अपना 17/6। अब 17 का भाग देना अपने को किस में, 6 का भाग देना 17 में, कितने दशमलव के 2 अंक तक। दशमलव के जाओ तो कई संख्या होती है, बहुत संख्या तक निकालती है, लेकिन दशमलव के 2 अंक तक ही निकालना पड़ता है, ज्यादा आगे मत जाना। 6 का भाग देंगे, 6 × 2 = 12, बचे 5 हो गए 50 दशमलव वाली, फिर 6 × 48 बचे 2 हो गए 20, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18। बस तो इसका वर्गमूल क्या है आपका, 2.83। ठीक, अब अपन और यूज करेंगे। देखना क्या करना है, 8 जैसे कि एक बार देख लो, 8 था तो अपन ने करनी 9 - 1 लिख लिया। करनी 9 मतलब 9 किसका वर्ग है, 3 का, वर्ग वाली संख्या के आसपास लिखना है, 3 का वर्ग है। तो यहाँ पर क्या लिख लिया, -1 3। अब 3 का दुगना यहाँ लिखा, जो भी संख्या आएगी उसका दुगना लिखना है। 3 × 2 = 6 इस पल की अपने 6 × 18 - 1 = 17/6, 6 का इसमें भाग दिया दशमलव के 2 अंक तक। अगर ये आपको नहीं आता है तो आप भाग दे के देख सकते हो, पीछे दशमलव के 2 अंक तक भाग देना है। अब देखना दूसरा अपना करणिक 19, करणिक 19 को अपन कैसे निकालेंगे, करणिक 19 किसके वर्ग के आसपास है, देखना 16 और 25, तो अपन इसको ले लेंगे 16। करणिक 19 को अपन लिख सकते हैं 16 + 3, 16 और 3 = 19 होता है। अब 16 किसका वर्ग है, 4 का, 4 + 3 और 4 का दुगना है कितना लिख लेंगे अपन, 8। अब ये कहता है 8 × 32 = 3 = 35/8, 8 × 32 = 3 = 35, प्लस इसलिए जुड़ जाएगा। अब 8 का इसमें भाग देंगे अपन, 8 × 32 बचा 3, दशमलव लगा ले होगा 0, फिर 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 24 + 6 = 60, फिर 8 × 7 = 56, इसका क्या आ गया 4.37 इसका वर्गमूल आ गया। ठीक, अपन और संख्या लेते हैं, जैसे 26 का करना है, करनी 26 का निकालेंगे हम। करनी 26 का देखना, करनी 26 25 के वर्ग के आसपास है, 5 के वर्ग के, तो अपन इसे क्या लिख लेंगे,
सॉरी 25 के वर्ग के आसपास है, 5 का और 25 तो क्या लिखेंगे हम 25 प्लस 1। अब 25 किसका वर्ग है, 5 का प्लस 1 बटे में क्या है इसका दुगना, 5 का दुगना कितना होता है 10। अब इसे कहना 10 पंच 50, 50 का एक में गुणा किया 51, 51 बटा 10। अब 10 का इसमें भाग देंगे तो एक अंक बाद दशमलव आना भाग देना है 5.1। ठीक, तो इसका कितना आया अपना 5.1। अब अपन करेंगे और संख्या लेते हैं अपन करणी 38। 38 किसके वर्ग के आसपास है, अब 6। 6 का क्या करेंगे, 6 प्लस 2 मतलब 36, करणी 36 प्लस 2। 36 किसका वर्ग है, 6 का। अब 6 प्लस 2, अब 6 का दुगना लिख लेंगे 12, तो ये हल करेंगे तो 12 6 72, 72 और 2 74 बटा 12। अब 12 का इसमें अपने को भाग देना है, 12 6 72 और 2 74, देखना 12 6 72 दशमलव बचा 2 हो गया 20, 12 2 24 है ना, बचा 6 हो गया 60, सॉरी 12 2 24 नहीं आ रहा, 12 6 72 बचा 2, 12 का 12 बचे 8 हो गया 80 है ना, 2 बचा था बचे 80। अब 12 6 72, 12 84, 12 6 72 तो 6.168 का वर्गमूल आ गया। ठीक, अब अपन क्या करेंगे 48 का निकालेंगे, 48 का भी ऐसे ही निकलता है दोस्तों, जितना ज्यादा करोगे उतने ज्यादा सीखोगे आप, देख लेना। 48 करनी 48 है, करनी 48 का क्या करेंगे अपन, 48 इसके वर्ग के आसपास है, 7 के वर्ग गुण 50, तो इसे क्या लिखेंगे अपन, करनी गुण 50 माइनस 1। अब क्योंकि 48 गुण 50 में से एक घात कितना होता है 48, 48 इसका वर्ग है 7 माइनस 1 बटे में कितना है इसका दुगना 14, तो जब 14 सत 98, 98 में से एक घात 97 बटा 14, 14 का इसमें भाग देंगे, भाग देंगे कितना आएगा 14 छंग 84, 14 सत 98 जाएगा 14 छंग 84, बचा कितना 13, 0 लगा दी या दशमलव लगा दी, अब 130 14 सत 98 14 हमारी 126, अब ये 126 में 130 का कितना होता है 4 होगा 40, अब 14 दून 28, 14 क्या 42 ज्यादा आएगा 14 दून 28, इसका वर्गमूल क्या आएगा 6.92। अब करना है अपने को 62 का, तो यहाँ क्या लिख लेंगे अपन 62, 62 किसके वर्ग के आसपास है 64 के 8 का, तो यहाँ 64 माइनस 2, 64 में 2 का कितना हो जाएगा 62, 64 किसका वर्ग है 8 का माइनस 2, 8 इसके बटन के लेंगे 8 का दुगना 16, 16 8 है 128, 128 में 2 का 126 बटे कितना लिख लेंगे अपन 16, 48 8 का 8, हाँ अब 16 का इसमें भाग देंगे अपन, देखना तो ये क्या हो जाएगा 16 8 128 ज्यादा हो जाएगा, तो 16 चुक 16 सत्ते 112, 126 में से 112 कितना बचा 14, यहाँ तो उसमें लगाएंगे यहाँ के लग जाएगी 0, फिर 16 सत्ते 112, 16 8 16 हमारी 100, 16 8 102, 16 सत्ते 112, 16 8 128 है ना, 16 8 128, अब 128 में 12 बचा होगा 0, 16 पंच 80, 16 चक 96, 16 सत्ते 112, इसका क्या आएगा 7.87। ठीक है, उम्मीद है आप सीख गए होंगे और आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो भी संख्या लेना चाहो आप, जो पूर्ण वर्ग नहीं है वो संख्या कौन सी भी संख्या ले सकते हो, आप कर सकते हो। ठीक है, आपको जरूर करना है, 2 या 3 सवाल जरूर आपको प्रैक्टिस में करना है। ठीक है, अब अपना सवाल है कि किसी भी संख्या के भाग में अपन 0 का भाग देंगे क्या आएगा, जैसे कि आपको इस आज के सवाल में बताना है कि 1/0 का मान क्या आएगा। अभी आपके मन में आ रहा होगा कि क्या उत्तर आ रहा है वो मैं जान रहा हूँ, लेकिन मैं आपको पूरे डिटेल में और कमेंट करके जरूर बताएं कि 1/0 का आंसर क्या आएगा। बहुत बार पूछा गया सवाल है, बहुत हर बार गलती करते हैं, 1/0 डायरेक्ट के लिख देते हो, और मैं बताऊंगा वीडियो अगले, जब आप कमेंट बॉक्स में और अगले वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, धन्यवाद, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।